आज मैं बताऊंगा ये वाला डिज़ाइन कैसे बनता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। तो नमस्कार, मैं ऋषि अपने यूट्यूब चैनल में ऋषि फैब्रिक डाइंग आर्टिस्ट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं बताऊंगा तीन रंग का ये वाला डिज़ाइन कैसे बनता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, तभी समझ में आएगा कि ये डिज़ाइन कैसे बना है, क्या बना है दोस्तों। तो बिल्कुल वीडियो थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिए मेरे साथ और मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये वाला डिज़ाइन कैसे बनता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे, ये हमारा वाइट दुपट्टा है और इसे हम बनाएंगे येल्लो। येल्लो बनाने के बाद ग्रीन बनाएंगे, देख सकते हैं येल्लो बाद बनाने के बाद ग्रीन बनाएंगे और ग्रीन बनाने के बाद ये इसमें रेड बनाएंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, पूरा वीडियो देखिए, बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाने वाला हूँ, पूरा वीडियो देखिए तभी समझ में आएगा डिज़ाइन कैसे बना और कौन सा डिज़ाइन बना है दोस्तों। तो देख सकते हैं हमारा पानी जो है बिल्कुल गर्म है, देख सकते हैं बिल्कुल पानी हमारा गर्म हो गया है और इसमें हम डालेंगे येल्लो। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने गर्म पानी ले लिया है, आप एक जब भी लेना गर्म पानी में ही रंग घोलना, ठंडे पानी में रंग नहीं घोलना। अगर ठंडे पानी में रंग घोलेंगे तो कपड़े में दाग आ जाएगा, कलर का दाना आ जाएगा। तो हमने लिया है येल्लो ऑक्सीड रंग लिया है जो नायलन और गर्म में डलता है। तो देखिए अच्छी तरह हम इसको घोल लेंगे, थोड़ा और येल्लो लेना पड़ेगा भैया, तो देख सकते हैं येल्लो और ले लिया हूँ और छाननी से छान के हम डालेंगे, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो कलर है बिल्कुल सेम बन गया है, देख सकते हैं आप कलर हमारा सेम बन गया है। और इसमें दूसरा रंग डालेंगे हम किनारा हमारा, इसको हम दो फोल्ड कर लेंगे ऐसे पहले, ठीक है। दो फोल्ड करने के बाद से इसको हम ऐसे ज्वाइन करते जाएंगे, देख सकते हैं ऐसे ऐसे बराबर से करके, ऐसे ऐसे करते दूसरी कनी तक आना है, देख सकते हैं दूसरी कनी तक आना है ऐसे ऐसे और देख सकते हैं हम लास्ट छोर तक आ गए हैं। अब इसको क्या करेंगे, एक फोल्ड और कर लेंगे, देख सकते हैं ऐसे दोनों साइड में पकड़ेंगे, एक फोल्ड और हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ये वाला एक फोल्ड और कर लीजिए, उसके बाद हम ये वाला जो है ये वाला हिस्सा जो है धागे में फंसाएंगे। चलिए फंसा के दिखाते हैं आपको, देख सकते हैं धागे में फंसा दिया है और धागे से पकड़ लिया है। अब क्या करेंगे देख सकते हैं, ये बीच से देख सकते हैं बिल्कुल बीच से हमें इसको डबल कर लेना है, देख सकते हैं मैंने बीच से डबल किया है, आप भी ऐसे कर सकते हैं, डबल करना है और बीच से डबल करने के बाद से अब ये वाला खोल लेना है, ये वाला हमें खोल लेना है, देखिए ये वाला हमें खोल लेना है, देख सकते हैं मैंने खोल लिया है, ये वाला खोल लिया है। और ये जो बीच वाला हिस्सा है, बीच वाला इसको हम धागे में फंसाएंगे, ठीक है। देखिए ऐसे में फंसाऊंगा, ऐसे को धागे में फंसाऊंगा, देखिए देख सकते हैं मैंने धागे में फंसा लिया है और ये अपना ये देख सकते हैं ऐसे हुआ ना। तो हम ये वाला हिस्सा जो है अब हम क्या करेंगे,
ये इधर से नीचे कैसा पकड़ेंगे, नीचे वाला ऐसा पकड़ेंगे, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला ऐसा पकड़ के खींचेंगे। देखिए नीचे वाला ऐसा पकड़ हम खींच रहे हैं, खींच लेंगे। देखिए खींच गया है, तो सबसे पहले हम जो बांधेंगे ये लास्ट वाला हिस्सा बांधेंगे। सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा बांधेंगे, देख सकते हैं खींच के एकदम खींच के हटाना, ठीक है। तो देख सकते हैं मैं बांध रहा हूँ, देख सकते हैं ऐसे बांधना है आपने, ऐसे जैसे मैं बांध रहा हूँ, ठीक है। इतना जगह छोड़ के, इतना जगह छोड़ के फिर हम बांधेंगे, देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अकेले बांधने का तरीका है। अगर आपके पास दो लोग हैं तो आप आसानी से एक आदमी को पकड़ा करके आप एक तरफ से अच्छे से बांध सकते हैं, खड़े होकर बांधिए, बैठ के बांधिए, जैसे मर्जी बांध सकते हैं। पर मैं अकेला हूँ इसलिए ये तरीका बनाया हूँ। तो वीडियो में कोई गलती होगी तो हमें माफ़ कर देना भाई लोग। तो चलिए इसमें कलर बना के दिखाते हैं। देखते हैं पानी हमारा बिल्कुल बॉयल है, अब इसमें हम कलर डालेंगे, रेड कलर डालेंगे। देख सकते हैं आप मैं इतना रेड कलर लूँगा, ये एक्सिड कलर है भैया, ध्यान देना एक्सिड कलर है और कॉटन का कलर नहीं है, ये नाइलन और गरम का कलर है। इसको रेड लाल गरम भी बोलते हैं, कोई रेड एक्सिड बोलता है, दो नाम से जाना जाता है ये। तो देख सकते हैं मैं रेड रंग डाल दिया हूँ, अब इसमें डालूँगा थोड़ा सा तेजाब, उसके बाद मैं घुमाऊँगा इसको। तो चलिए सुखा के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले मैं धुलाई कर रहा हूँ, देख सकते हैं और धुलाई करने के बाद ये जो कन्नी है इसमें हम थोड़ा सुखाएंगे।
तो देख सकते हैं सूख गया है, और मैं चेक करता हूँ बन गया कि नहीं। तो देख सकते हैं हमारा रेड कलर जो है बन गया है, और पानी की इसको पानी में फेंक देंगे। पतीला बहुत गर्म है तो भी मुश्किल नहीं है, पानी में फेंक दूंगा, देख सकते हैं आप। और इसको अच्छे से धो लेंगे हम। अब इसमें हम बनाएंगे ग्रीन, ग्रीन रंग बनाएंगे। उसके बाद पानी रख दिया, तब तक गर्म होता है तब तक मैं कुछ। तो देख सकते हैं हमारा पानी बिल्कुल गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन रंग। तो येलो पर ग्रीन रंग बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे हम। ये तोतिया ग्रीन है, तोतिया ग्रीन बनाने के, येलो पे तोतिया ग्रीन बनाने के लिए क्या करेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पानी लेंगे गरम, देख सकते हैं इतना पानी ले लिया गरम। उसके बाद मैं इसमें लूँगा ये रामा ग्रीन, देख सकते हैं ये रामा ग्रीन है, ये भी एक्सिड का कलर है जिसको बोलते हैं गरम, गरम रंग। दोनों को डाल दिया है, इसको अच्छे से घोल लेंगे। घोलने के बाद इसको चलाएंगे। तो देख सकते हैं हमारा कलर बन गया है, ये हमारा कलर बन गया है। इसको हम धुलाई कर लेंगे अच्छी तरह से, देख सकते हैं। हमने इसको अच्छी तरह धुलाई कर लिया है, देख सकते हैं बिल्कुल वाइट पानी निकल रहा है इस तरह से, देख सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। निचोड़ने के बाद ये पानी फेंक देंगे हम। और इसमें डाल देंगे साफ पानी। तो चलिए खोल के बताते हैं, दुपट्टा खोल के बताते हैं डिजाइन खोल। बाद में तो देख सकते हैं खोलना भी बहुत आसान है। इसको पकड़ लीजिए और ऐसे खींच दीजिए, हो गया। ऐसे ही मतलब गांठ अच्छे से तरीके से बांधना है ताकि आसानी से खुल जाए। कि ऐसा गांठ ना मार बांध देना कि खोलते रह जाओ खुले ना, ऐसा गांठ नहीं बांधना है, ठीक है। ये हमारे भोजपुरिया भाषा में बोलते हैं सरकवासी गांठ, तो सरकवासी गांठ ही बांधना है, सरक जाए। देख सकते हैं इसको बोलते हैं सरकवासी गांठ, भोजपुरिया भाषा है भैया, भोजपुरिया भाषा बोलते हैं सरकवासी गांठ। एकदम बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त डिजाइन आया दोस्तों। तो देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए। और एक बात बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप भी बनाना चाहें तो आप भी मार्केट से रंग ले आ करके अपने दुपट्टे में ऐसे डिजाइन और ऐसे से कलर बना सकते हैं। बस क्या करना है आपको, हमारा वीडियो देखते जाना है, हम लोग कैसे डिजाइन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले डिजाइन के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम जानेंगे ये वाला डिजाइन कैसे बनता है। देख सकते हैं ये वाला तीन रंग में है डिजाइन, और ये भी वीडियो बहुत ही सुपर होने वाला है। तो अगला वीडियो हमारा ज़रूर देखिएगा दोस्तों।